जैसे एक रथ में 10 घोड़े जुटे हों और सबकी बागडोर को चाबुक को अपने दाएं हाथ में संभाले हुए, जैसे कोई सारथी हो इस प्रकार जो अपनी प्रज्ञा को संभाले हुए संयमी स्थित प्रज्ञ है, अपनी इंद्रियों को संभाले हुए, उसकी कृतकृत्यता, उसकी अचल स्थिति, उसकी निष्कामता का भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। संयम शब्द का एक लौकिक प्रयोग ऐसा होता है जैसे देश की प्रजा बागी हो गई हो तो उसको संयम में ले आना माने विद्रोही प्रजा को काबू में कर लेना, इसको संयम बोलते हैं। रथ में जुटे हुए घोड़े उद्दंड हो गए हैं तो कोड़े से चाबुक से उनको काबू में कर लेना, इसको संयम बोलते हैं। और किसी के सिर के बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी के बाल बहुत बिखर गए हैं तो कंघी से उनको एक तार में कर लेना या उनकी चोटी बना लेना या उनका जूड़ा बांध लेना, इसको भी संयम बोलते हैं, केश संयम। तो इसी प्रकार जो विषयों की ओर बिखरी हुई अपनी इंद्रियों को बागी प्रजा को जैसे काबू में कर लिया जाता है, घोड़ों को जैसे काबू में कर लिया जाता है या बालों को जैसे काबू में कर लिया जाता है, इस तरह से जो अपनी इंद्रियों को काबू में कर ले, एक तार में कर ले, एक स्वर में कर ले, उसको बोलते हैं संयम। तो स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसा है तो संयमी है, उसने अपने संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट करके संयम में ले लिया है। एक दूसरी बात है, योग दर्शन में संयम शब्द की एक परिभाषा बनाई गई है, त्रयम् एकत्र संयमः। जब धारणा, ध्यान और समाधि
तीनों एक ही विषय में किए जाते हैं तब उसकी संज्ञा संयम होती है। धारणा माने अपने मन को इधर उधर भागने से लौटा करके एक जगह एक स्थान में बांधना, इसको धारणा बोलते हैं। मन देश की दृष्टि से आपका चित्त यहां से वहां वहां से वहां भटके नहीं, देश में जो चित्त की गति है वो रोक दी जाए, एक देश में चित्त स्थिर हो जाए, इसको बोलते हैं धारणा। और एक विषय में स्थिर हो जाए इसको बोलते हैं ध्यान। तत्रैक सानता ध्यानम, अपने लक्ष्य वस्तु में चित्त की जो एकतानता है माने वृत्तियां भले बारी बारी उठें पर एक ही के बारे में उठें। आप इसको यह समझो कि जैसे एक बार हमको घड़े की याद आई, घड़ी की आई, शहर के लोगों को घड़े की नहीं आएगी तो घड़ी की आएगी, है ना। हाँ, फिर कपड़े की याद आई, फिर चश्मे की याद आई, फिर फाउंटेन पेन की याद आई, मेज की, कुर्सी की, फर्नीचर की, तो अलग अलग चीजों की याद आई ना। अब अगर हमारी वृत्ति का ये क्रम हो जाए कि घड़ी के बाद घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, घड़ी के बाद घड़ी, कपड़ा नहीं आवे, चश्मा नहीं आवे, फाउंटेन पेन नहीं आवे, बार बार वृत्ति में एक ही विषय आवे, शांतो वितरु तुल्य प्रत्यय, जो वृत्ति शांत हो वही वृत्ति उदित हो। जैसे घटाकार वृत्ति शांत हुई तो घटाकार वृत्ति ही उदित हो। तो देश की एकता में वृत्ति का लगना धारणा है और विषय की एकता में वृत्ति का लगना ध्यान है। और जब ध्याता ध्येयाकार हो जाता है, अथवा ध्येय जो है वो ध्याता में मिल जाता है, अथवा ध्येय और ध्याता की स्फूर्ति छोड़ करके केवल ध्यान ही रहता है, ग्राह्य समापत्ति, ग्रहण समापत्ति और ग्रहित्री समापत्ति, तो जब तीन न रह करके दो न रह करके केवल एक ही रहे, तो जैसे केवल भगवान की स्मरणा हो ये भक्ति की समाधि है, और केवल ध्याता में ही सब स्थित हो जाए ये योग की समाधि है। और ध्याता और ध्यान को पृथक करने वाला जो ज्ञान है, बीच में ज्ञान, अहम ज्ञाता जीव इदम ज्ञेयम दृश्यम, मैं ज्ञान का अभिमानी जीव हूं और ये जो है दृश्य है ये है, इदम अहम के भेद को अलग अलग प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान मात्र पदार्थ है, उस पदार्थ में स्थिति हो जाना समझो वेदांतियों की समाधि है। ज्ञाता जो है ये अहम पदार्थ है, ये अल्पज्ञ हो गए तो जीव बोलते हैं और सर्वज्ञ हो गए तो ईश्वर बोलते हैं, और इदम जो है वो दृश्य पदार्थ है, तो वो दृश्य हो गए चाहे दृश्य का अभाव हो गए, इदम ही है, अभाव भी इदम है, सुसुप्ति भी इदम है, परंतु जिस स्वयं प्रकाश ज्ञान के द्वारा इदम के रूप में कार्य कारण और अहम के रूप में अल्पज्ञ सर्वज्ञ दोनों भाषित होते हैं, वो जो संधि में सामान्य चेतन है, उस सामान्य चेतन मात्र का रह जाना ये वेदांतियों की समाधि है। ये बोध नहीं है, बोध तो वो होता है जो अविद्या को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाता है, बोध तो वृत्ति होती है। समाधि से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, समाधि में अज्ञान की निवर्तकता नहीं है, समाधि तो केवल विक्षेप की निवर्तक है, विक्षेप की निवृत्ति से आवरण भंग नहीं होता है, आवरण भंग तो ब्रह्म ज्ञान से होता है माने वृत्ति ज्ञान से होता है, ये वेदांत का सिद्धांत है। तो इस संबंध में संयमी पद का अर्थ समझते हुए आप धारणा ध्यान और समाधि से संपन्न जो स्थित प्रज्ञ है, जब चाहे जब मन को एक जगह रोक ले, जब चाहे जब एक में लगा ले, जब चाहे जब अहम और इदम को छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ऐसा जो संयमी पुरुष है उसकी खास पहचान क्या है और
उसकी फलात्मक स्थिति क्या है, तो बतलाते हैं आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठान समुद्रमात प्रविशंति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे शांति काम कामी। समुद्र का दृष्टांत दे करके समझाते हैं, अभ्युलंघित एवं बानर भटई किंत्वस्य गंभीरताम आपाताल निमग्न तीवर तनुर्जानाति मंथा तलह। रामचंद्र जी की सेना में जो बानर थे वो तो समुद्र को लांग भर गए, उनको समुद्र की गहराई का पता नहीं चला। बोला समुद्र की गहराई कौन जानता है, तो आपाताल निमग्न तीवर तनुर्जानाति मंथा तलह। मंदराचल जिससे समुद्र मंथन किया गया था उसको पता है कि वो बेचारा डूबता जाए डूबता जाए डूबता जाए, समुद्र की तह का कहीं पता ही न चले। तो समुद्र को ऊपर ऊपर से देख लेना ये दूसरी चीज है, और समुद्र की गहराई को जानना, गंभीरता को जानना, उसकी अगाधता को जानना, इसके लिए संस्कृत में अगाध शब्द है। वो अगाध जिसकी छाह न लगे, जो जिसका अवगाहन करके जिसमें डुबकी लगाए करके कोई छाह न लगा सके, उसका नाम है अगाध समुद्र। तो ये समुद्र कैसा है इसके लिए तीन शब्द देखो इसमें, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र। समुद्र तो नाम है, तो समुद्र शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। जैसे समुद्रिच्यते इति, जिसमें समुद्रेक होवे ज्वार आवे, जिसमें सम्यक उद्रेक होवे उसका नाम समुद्र उद्रेक। उद्रेक माने उछलना, ऊपर उछलना, उसको बोलते हैं समुद्र। अथवा मुद्राभिसहित जिसमें मोती मिले, है ना, मुद्रा रत्नाकर, हाँ, जिसमें रत्न मिले, जिसमें बहुत सारी मुद्राएं हो, उसका नाम समुद्र। जो शांत और विक्षिप्त दोनों मुद्रा धारण करे, मुद्रा मुद्रा माने शांत होकर बैठे और विक्षिप्त माने सुमसम संपुटन से युवा कर रहे हैं संध्या वंदन में, ये भी मुद्रा है। मुद्रा नृत्य में, नृत्य में जो मुद्रा दिखाते हैं भाव भंगी यूं करते हैं अथवा यूं करते हैं, इसका नाम भी मुद्रा है। तो ये मुद्रा है, तो ये समुद्र भी मुद्रा धारण करता है, कभी शांत हो जाता है जैसे बहुत भला मानुष हो, और कभी ऐसी ऐसी ज्वार उठते हैं मानो निगल जाएगा सबको, इसको बोलते हैं समुद्र। और मुद्रा से मतलब मुद्रा अधिष्ठात्र देवता लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी जिनकी पुत्री हो और जिसमें रहती हो उसका नाम समुद्र है। अथवा समुदम राति, जो आनंद सहित जो पुरुष है, समुद्र है, समोद है, आनंदी लोग हैं, उनको अपने अंदर जो विहार करावे, वो जहाज पर चढ़ के यहां से वहां घूमे समुद्र। तो ये जो समुद्र है समझो, ये प्रज्ञ पुरुष का उपमान है, उपमान है समुद्र, और उपमेय है, उपमेय है स्थित प्रज्ञ पुरुष, दृष्टांत के द्वारा बताता है। तो जैसे समुद्र जो है वो कभी शांत मुद्रा में कभी विक्षिप्त मुद्रा में रहता है, परंतु उसकी गंभीरता में किसी प्रकार का अंतर, उसकी गहराई में अगाधता में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। ऊपर की सतह पर लहर आई और ऊपर की सतह पर शांति आई, असल में तो समुद्र जो है वो शांति और विक्षेप दोनों से जुदा जल तत्व है, अतिशय गंभीर है तत्व है, और कभी शांत हो गया, कभी आकर्षण शक्ति प्रबल हो गई, कभी विकर्षण शक्ति प्रबल हो गई, लेकिन जल तत्व तो
जल तत्व ही है। अब दूसरी बात का ध्यान दो, समुद्र के संबंध में आपूर्यमाणम अदधि, जल से वो भरा जाता है। आपूर्यमाणम और आपूर्यमाणम उभय खाते, कभी नदियां आकर के उसमें गिरती हैं, कभी खूब वर्षा होती है और कभी नहीं होती है, परंतु समुद्र कैसा रहता है? आ अपूर्यमाणम और आ पूर्यमाणम, पूर्यमाण माने भरा जाना बना, और आ माने पूरी तरह से भरा जाना। बाढ़ आई है गंगा में, महानदी में, कृष्णा में, कावेरी में, सिंधु में, ब्रह्मपुत्र में, बाढ़ पर बाढ़ आई है और सारा जल समुद्र में गिर रहा है, आपूर्यमाणम। फिर भी क्या समुद्र में बाढ़ आ गई? बोले बाढ़ नहीं आई, अचल प्रतिष्ठा, उसकी प्रतिष्ठा अचल है। बाढ़ आने से, नदियों में बाढ़ आने से, वर्षा बहुत होने से, बहुत जल समुद्र में गिरने से समुद्र जो है वो उद्रिक्त नहीं हुआ। ये नहीं कि मर्यादा तोड़ करके उसने अपना पानी ऐसा डाला बाढ़ की वजह से कि धरती डूब जाए। धरती से कई गुना समुद्र होता है, जितनी सूखी धरती मिलती है इससे कई गुना समुद्र होता है, और यदि समुद्र उलटे तो धरती को डुबा दे। लेकिन अचल प्रतिष्ठा, अपनी मर्यादा को, प्रतिष्ठा को, वेला को लांघता नहीं, चाहे जितना पानी उसमें आवे, जितनी नदियां आवे, जितनी वर्षा होवे, अपनी जगह पर अविचल। और ऊर्जमानम, कोई नदी बह के ना आवे, कोई नदी बह के ना आवे तो क्या समुद्र सूख जाएगा? क्या नहीं, समुद्र सूखेगा नहीं, ज्यों का त्यों अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठम का दूसरा अर्थ है अचला नाम, मैना का भी नाम, पर्वता नाम प्रतिष्ठा स्थितिर जस्मिन तब अचल प्रतिष्ठा। मैना का आदि बड़े बड़े पर्वत समुद्र में डूबे रहते हैं, समय समय पर निकल जाते हैं, फिर डूब जाते हैं, लेकिन पहाड़ों के डूबने उतराने से उसकी प्रतिष्ठा न तो घटती है और न तो बढ़ती है। ऐसे ही तत्वज्ञ स्थित प्रज्ञ पुरुष की स्थिति होती है। अब इसमें बात क्या बता रहे हैं, इसका रहस्य आपको बताता हूं। रहस्य यह है कि रज्जौ रज्ज्वाम सर्प भवा भवौ जथा, एक रस्सी है, जो रस्सी को नहीं जानता उसके लिए उसमें सांप पैदा हो गया, और जिसने रस्सी को जान लिया उसके लिए उसमें सांप समा गया। जो अपने आप को ब्रह्म रूप से जानता है उसको मालूम है कि ये जो प्रपंच है ना, प्रपंच ये चाहे कोटि कोटि नाम रूपात्मक प्रपंच हमारे अंदर आ करके मिल जाए, पैदा हो जाए, मालूम पड़े, प्रतीत हो, और कोटि कोटि प्रपंच जो है वो विलय को प्राप्त हो जाए। ये प्रतीयमान जो प्रपंच है, प्रपंच माने विस्तार, प्रपंच माने फैलावा, पसारा, पति विस्तार है, पति धातु जो है वो विस्तार के अर्थ में है। पंचास्या, जब सिंह के लिए पंचास्य बोलते हैं, पांच मुंह वाला, तो पांच मुंह वाला अर्थ नहीं होता, फैले हुए मुंह वाला ये उसका अर्थ होता है। पांच मुंह का सिंह कभी देखा नहीं गया है, न कभी पुराण में सुना गया है पांच मुंह वाला सिंह। तब पंचानन का और पंचास्य का अर्थ क्या होता है? पति विस्तार है, फैले हुए मुंह वाला। ये प्रपंच क्या है? ये फैले हुए मुंह वाला है जीवों को निगलने के लिए। ये तो पत्थर की चट्टान में शेर दिख रहा है, ये बनावटी मूर्ति है, तो ये दिखाई पड़े तो क्या,
और न दिखाई पड़े तो क्या, माने प्रपंच की उत्पत्ति प्रतीत हो गए तो क्या और प्रपंच का प्रलय प्रतीत हो गए तो क्या, जो अधिष्ठान स्वयं प्रकाश ब्रह्म से अपने एकत्व का अनुभव कर चुका है उस पुरुष के लिए आ पूज्यमानम और आ अपूज्यमानम दोनों स्थिति उसके लिए बिल्कुल समान है। ये संसार प्रतीत होवे तो क्या और प्रतीत न होवे तो क्या, वो तो अपने स्वरूप में अचल है, अचल प्रतिष्ठा, वो कभी विचलित नहीं होता है। तो जैसे ब्रह्म प्रपंच की प्रतीति अप्रतीति से कोई चलित परिणत परिणाम भाव को प्राप्त नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, केवल विवर्तित होता है। परिवर्तित शब्द से तो आप लोग बहुत परिचित है ना, ये परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तन हो गया, ये परिवर्तन हो गया, तो बर्तन तो वही है, हो बर्तन माने बर्ताव, लेकिन पहले परि उपसर्ग उसमें जुड़ा हुआ था बर्तन में, तब परिवर्तन था, और जब परि की जगह बी उपसर्ग जो जुड़ गया तब उसका नाम विवर्तन हो गया। विवर्तन माने विपरीत वर्तन, जैसा एक है तो अनेक भासना, चेतन है तो जड़ भासना, पूर्ण है तो परिच्छिन्न भासना, आत्मा है तो अनात्मा भासना, इसी का नाम है विरुद्ध वर्तन, विपरीत वर्तन, इसी को बोलते हैं विवर्त। ये परिवर्तन का ही भाई बंधु है। परिवर्तन में तो सचमुच एक चीज दूसरे रूप में बनती है, और विवर्त उसको कहते हैं जिसमें बनती तो नहीं है वैसी प्रतीत होती है। तो कोटि कोटि विवर्त से जैसे अधिष्ठान में किसी प्रकार का परिणाम, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक उसी को अपना स्वरूप जान करके जो स्थित प्रज्ञ अपने स्वरूप रूप से विराजमान है उसकी प्रतिष्ठा अचल है। चाहे ये प्रपंच के विषय और विषय भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख है, प्रकाश अंधकार, ये उसमें दिखे और चाहे न दिखे, वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक ठीक बैठा हुआ है। तो समुद्रमाप प्रविशंति यद्वत, तो यहां तो अंतकरण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां, शरीर, विषय, उनका संबंध, ये तत्व ज्ञानी को प्रतीत हो, पूरे तो भी वो ब्रह्म है और न पूरे तो भी ब्रह्म है, अपने आप आकर के भोग दे तो भी वो ब्रह्म है और भोग देने कोई ना आवे तो भी वो ब्रह्म है। ये बात इस श्लोक में कही जा रही है। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति यद्वत। आपह, आपह का अर्थ साधारण रूप से जल कण होता है, हो जल के कणों का समूह। आपह शब्द संस्कृत में नित्य बहुवचनांत है, इसमें एक वचन द्विवचन होते ही नहीं। क्या अर्थ हुआ इसका, माने जल जो है वो कण कण ही होता है, अगर एक बिंदु भी जल है तो उसमें सैकड़ों सीकर हैं, सैकड़ों कुइयां हैं उसमें, इसलिए आप शब्द जो है वो संस्कृत में बहुवचन ही होता है। तो आतः प्रविशंति का अर्थ ये हुआ कि रसात्मक जो जल है, रसात्मक जल है, हो इसी से रस और इसी से सरह, सरोवर में जो सरह है ना, सरती और रस्यते, जब इंद्रिय का विषय होता है तब वो रस बन जाता है, और इंद्रियों में होकर के वो विषयों की ओर जो होता है तब वो रस बन जाता है, और इंद्रियों में होकर के वो विषयों की ओर जो शरण करता है, गमन करता है, उसको सर बोलते हैं, सर और रस। तो ये क्या है, जल जो है ये गत्यात्मक है और जल जो है वो रसात्मक है,
तो ये कभी आता है और कभी नहीं आता है। अप्सरा शब्द का भी इसी के साथ संबंध है। हाँ, उसमें अप भी है और तरा भी है। बोला तो ये तो शब्दों की जो है ना, शब्दों के जो चमत्कार हैं वो बड़े बड़े विलक्षण हैं। तो ये विषय जो है वो तो स्वयं आके प्रवेश करते हैं, और कभी नहीं भी आते हैं। भवंति न भवंति सर, अवधूत दत्तात्रेय जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया, क्वचित क्षये धरोपस्थे, कभी धरती पर धूल में सोता हूं और क्वचित पर्यंके, कभी पलंग पर सोता हूं, कभी महल में रहता हूं, कभी जंगल में रहता हूं। क्वचित क्वचित क्षये बहुवहानी, कभी बहुत बहुत दिन तक सोते ही रहता हूं ऐसा, और कभी बहुत दिनों तक भूखा रहता हूं, और कभी हलवा पूरी उड़ाता हूं। परंतु हमारी जो स्थिति है वो भूखे रहने में, भोजन करने में, धरती पर सोने में, पलंग पर सोने में, महल में रहने में और जंगल में रहने में, हमारी स्थिति सर्वथा एक तरीकी रहती है। तो ये स्थित प्रज्ञ का स्वरूप है। तो तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स्वशान्तिमाप्नोति न काम कामी। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् माने समुद्र में जल के समान, जिसमें सारे काम प्रवेश कर जाते हैं, माने आंख से देख रहा है, उसके सामने से सुंदर रूप आया, आंख में प्रतिबिंबित हुआ, उसने देखा और रूप चला गया, लेकिन फोटो नहीं खींचा। माने कैमरे के सामने से किसी चीज का गुजर जाना और उसका फोटो खींच जाना, ये दो चीज होती है। तो हम लोग जो दुनिया को देखते हैं वो सिर्फ देखते भर हैं कि उसकी फोटो खींचते रहते हैं, है ना? तो जो दुनिया को केवल कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से स्वाद लेते हैं, ये नहीं कि अज्ञानी की जीभ पर तो खट्टे मीठे का भेद मालूम पड़ेगा और ज्ञानी की जीभ में इंजेक्शन कोई लग जाता है तो उसको खट्टे मीठे का भेद नहीं पड़े। वो खट्टे को भी प्रकाशित करती है, मीठे को भी प्रकाशित करती है, कान से कठोर और कोमल शब्द का भेद भी मालूम पड़ता है, आंख से कुरूप और सुरूप भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग जो देखते हैं उसका फोटो खींच लेते हैं भीतर हृदय में, उनका संस्कार पड़ जाता है, उनका धब्बा लग जाता है, उसके लिए फिर मरते हैं, अनुकूल हुआ तो भी मरें और प्रतिकूल होवे तो भी मरें, अपने मन के मुताबिक होवे तो उसको चाह के मरें और अपने मन के खिलाफ होवे तो उससे दुश्मनी करके मरें। तो ये दुनियादार लोग जो हैं वो दुनिया की फोटो खींच खींच करके अपने मन में इकट्ठे होते हैं और दुखी होते हैं। और स्थित प्रज्ञ तत्व ज्ञानी पुरुष का क्या स्वभाव है कि आता सब है, दिखता सब है, आता है, जाता है, जाता है, आता है। आंख में घुसते हैं लेकिन जमते नहीं है। तो तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, सर्वे कह करके अब फिर एक बार आपको लौटा देते हैं। प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान वहा। तो काम जो है, एक विवेकी पुरुष का वर्णन आया है उपनिषद में कि ध्रुव मध्रुवेश न प्रार्थयन्ते। जो धीर पुरुष होते हैं वो जब अमृतत्व को जान लेते हैं, अमृत तत्व परब्रह्म परमात्मा को जब जान लेते हैं तो यह अध्रुवेशु ध्रुवम न प्रार्थयन्ते। ये जो मर्त्य है, मरने वाला बदलने वाला जो संसार है, इसमें ये ध्रुव वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज हमको मिल जाए जो हमेशा हमारे साथ लगी रहे। किसी चीज का भाव, किसी चीज का अभाव उनको दुख नहीं देता है,
आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, प्रवेश करते हैं और निकलते हैं, तो वो जहां के तहां बैठे हुए हैं। ऐसा जो पुरुष है उसको क्या होता है भाई, इसमें विशेषता क्या है? बोले विशेषता इसमें ये है, इसको शांति मापनोती न काम कामी, शांति की प्राप्ति तो उसी से होती है। शांति निर्वाण परमाम मत संस्थान अधिगच्छति। कौन सी शांति मिलती है? कि निर्वाण परमा, जिसमें निर्वाण हो जाता है, ऐसा। बाण शब्द का अर्थ होता है एक तो शरीर काय, जो जाय से बाण बा गति गंधने हो, और बाण से भी बनता है। तो ये बाण जो है ये क्या है? तो बारंबार शरीर का प्राप्त होना और मरना, यही बाण है। एक बाण तो लगता है स्थूल शरीर में, गोली लगती है, बाण लगता है, और एक बाण लगता है जीवात्मा को, जो देह इंद्रियों को मेरा मान करके बैठा है, एक बाण उसको लगता है। तो दोनों तरह से लगता है, मीठा बाण भी लगता है और कड़वा बाण भी लगता है, क्योंकि संसार के जो सुख आते हैं वो भी एक दिन दुख ही देते हैं। दुख में वो सर्वम विवेकिनहा, दुनिया में जितनी जितनी प्यारी चीज मिलती है वो एक दिन दुख देती है। जावतः कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान, सावन तोष्य निखन्यंते हृदये शोक संकवः। बोले बड़ा सुख आया, बड़ा मजा आया, तब बस मन के साथ अब इसका रिश्ता जुड़ गया, इसके बिना कुछ नहीं। तो अपने मन को प्यारे लगने वाले संसार में जितने संबंध जोड़े जाते हैं, बोले उस समय तो बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन समझो दुख की उतनी कीलें तुम्हारे कलेजे में चुभो दी गई, वो बाद में गड़ेंगी। उनके बेवफा होने पर रोओगे, उनके बिछुड़ने पर रोओगे, उनके मरने पर रोओगे, और उनको छोड़ के खुद मरने लगोगे तो भी रोओगे। वे मरे तो भी रोओ, और उनको छोड़ करके तुम मरो तो भी रोते रोते मरो। बिछुड़ जाए तो मरो, बेवफा हो जाए तो मरो। तो ये दुनिया में जितने संबंध, जितने रिश्ते मन को प्यारे लगने वाले होते हैं, वो दुख देने वाले होते हैं, वो हृदय में कील चुभोते हैं। तो शांति का अर्थ क्या? निर्वाण परमाम, जिसमें फिर कोई बाण न चुभे। संयोग रूप, वियोग रूप, जन्म रूप, मरण रूप, ज्ञान रूप, अज्ञान रूप, सुख रूप, दुख रूप, किसी भी द्वंद्वात्मक बाण की चोट, ये तीन नोक वाले त्रिगुणात्मक बाण की चोट फिर से नहीं लगे, उसको बोलते हैं निर्वाण। तो निर्वाण परमाम, निर्वाण ही जिसका परम स्वरूप है, ऐसी शांति कहां होती है? का अपनी आत्मा में होती है, उसका अधिगम प्राप्त होता है। शांतिम आपनोति तत् प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यति शाश्वतम। अपने आत्मा में रहने वाली शांति तत् पदार्थ में, त्वम पदार्थ में, जो मोक्ष रूप से विराजमान जो परमा शांति है, उसकी उसको प्राप्ति हो गई। बोले जो कामनाओं को पकड़ करके, भोग के विषयों को पकड़ करके इधर उधर भटक रहा है, उसकी क्या गति होती है? सौ काम भीर जायते तत्र तत्र। और उपनिषद में बताया कि ये कामनाएं ही तो यहां से वहां ले जाती हैं। कामान जह कामयते मन्यमानः स कामभिर जायते तत्र तत्र, पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। श्रुति कहती है कि जो भोग के पदार्थों को ही सर्वस्व मान करके और उनको चाहता रहता है, उसको कामवश
काम बस कहीं न कहीं जाना ही पड़ता है। वहां जाएंगे तो काम बनेगा, वहां जाएंगे तो काम बनेगा। उस सेठ के पास जाएंगे तो वो हमको एजेंट बना लेगा, वो हमको इतनी कमीशन देगा, वहां जाएंगे तो ये सुख भोग मिलेगा, वहां जाएंगे तो ये भोजन मिलेगा, वहां जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा। स काम भीर जायते तत्र तत्र, कोई जैसे कहीं भी अटक मन की हो जाए ना, तो वो आदमी यही चाहेगा कि सब किसी की सेवा करें। तो होता क्या है, जैसे नेता लोग हैं तो उनके मन में ये है कि हम लोग तो बड़े पढ़े लिखे, बड़े संस्कारी हैं, बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे हुए हैं, अब हमारे लिए तो किसी अध्यात्म की, उपदेश की, सत्संग की जरूरत नहीं। तो साधु लोगों को कहां भेज दो, बोले अंडमान भेजो, आदिवासियों में भेजो, जंगलियों में भेजो, ये पढ़े लिखे लोगों के लायक थोड़े हैं, है ना, उनके उनको वहां भेजो। कई साधु होंगे जो केवल प्रचार के लिए जन्मे होंगे, है ना, माने साधु जीवन में केवल, है ना, प्रचार करने के लिए जिन्होंने साधु जीवन स्वीकार किया होगा, है, उनको बोले यहां काम करना है, यहां काम करना है, यहां काम करना है, तो सब काम भीर जायते तत्र तत्र। परमात्मा का ज्ञान नहीं, अपने साधन में निष्ठा नहीं, अपने त्याग में निष्ठा नहीं, स्वरूप में निष्ठा नहीं, कहीं यहां भटको, वहां भटको, ये करो वो करो, और जिसके लिए संपूर्ण प्रपंच प्रतीति मात्र है, कब वो उसको कहीं जाने आने की जरूरत, हजरत दास जहां बैठ गए बैठ गए, जहां बैठ गए वहां बैठ गए, ठीक है। कामनाओं को, जरूरतों को जरूरत हो तो हमारे पास आवे और कहें हम आपके चरणों की शरण लेकर के अपनी ये कामना पूरी करना चाहते हैं, है ना, वो कल्प वृक्ष के पास जाए, वे कुएं के पास जाए। कामना से भटकने वाला जो पुरुष है उसकी न अपने ज्ञान में निष्ठा है, न ईश्वर में निष्ठा है, न त्याग में निष्ठा है, न निवृत्ति में निष्ठा है, न अपनी कृतकृत्यता में निष्ठा है। तो कोई भी नाम लेकर के, चाहे संप्रदाय का नाम लेकर, चाहे मजहब का नाम लेकर, चाहे जाति का नाम लेकर, चाहे प्रांत राष्ट्र का नाम लेकर, चाहे मानवता का नाम लेकर के, हैं, किसी भी लौकिक अलौकिक वस्तु का नाम लेकर के उसको इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है, जो अपने स्वरूप के ज्ञान से, स्वरूप के साक्षात्कार से तृप्त हुआ बैठा है। प्रचार की वासना दूसरी होती है, प्रचार की वासना दूसरी होती है और आत्मनिष्ठा दूसरी होती है। शास्त्र वासन या जंतो हो, देह वासन या पिचो, लोक वासन या ज्ञानम यथावन नैव जायते। शास्त्र वासना, देह वासना, लोक वासना, ये जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख के प्रतिबंध है। श्री शंकराचार्य भगवान ने कहा, उसको शांति मापनोति न काम कामी। जो काम कामी है, माने जो संसार में परिवर्तन चाहता है, प्रतीति में परिवर्तन चाहना, प्रतीति में परिवर्तन चाहना, तो भाई ये जो नीलिमा है यहां बहुत गहरी दिख रही है आकाश में, इसको थोड़ा बदल देना चाहिए, हैं? तो ये जो समुद्र में जो नीलिमा दिख रही है, इस पर ऐसी रोशनी डालो कि ये नीलिमा न दिखे, कुछ और दिखने लगे, ये चांदी सरीखा दिखने लगे। ये परिवर्तन की जो विवर्त दृष्टि न होने से परिवर्तन की दृष्टि होती है। असल में दृश्यमान प्रपंच में परिवर्तन करने की जो इच्छा है, ये उसके सत्यत्व की भ्रांति से है। इसलिए परमार्थ दृष्टि से कुछ कर्तव्य नहीं है, कुछ भोक्तव्य नहीं है, कुछ प्राप्तव्य नहीं है, कुछ ज्ञातव्य नहीं है। जब अपनी अहंता को हम किसी एक खास अवस्था में जोड़ते हैं,
जब हम हिंदू बनते हैं ना, तब हमको हिंदू के मुसलमान होने का, ईसाई होने का दुख होता है। जब हम भारतीय बनते हैं तब भारतातिरिक्त राष्ट्र से भय होता है। जब हम मनुष्य बनते हैं तब हमको असुर दैत्य देवता से भय होता है। द्वितीय द्वै भयम भवती, भय जो आता है वो द्वैत से आता है। देखो, जो अपने को ब्राह्मण जानता है उसको दूसरे से भय होता है, जो अपने को क्षत्रिय जानता है उसको दूसरे से भय होता है, जो अपने को शूद्र जानता है उसको दूसरे से भय होता। ब्रह्म तम परादाद जो न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रम तम परादाद जो न्यत्रात्मन क्षत्रम वेद, अंत में है सर्वम तम परादाद जो न्यत्रात्मन सर्वम वेद। अगर आत्मा से अतिरिक्त और किसी को तुम समझोगे भाई है ये मेरे सिवाय कुछ और है, ये कोई दूसरा है, उसी दूसरे से तुम्हें भय की प्राप्ति होगी। भय की प्राप्ति दूसरे से होती है, अपने आप से नहीं होती है। और जिसको भय की प्राप्ति है उसको शांति तो है ही नहीं। शांति क्यों नहीं है? तो वो काम कामी है, वो चाहता है ऐसा न हो ऐसा हो, ऐसा न हो ऐसा हो। ये जो काम कामिता है वो काम कामिता ही दुख और अशांति की सृष्टि करती है। इसलिए जो महात्मा है, महापुरुष है, परमार्थ दृष्टि से उसके अंदर काम कामिता नहीं है, इसलिए सच्ची शांति मोक्ष उसको प्राप्त है। और जो चाहते हैं परिवर्तन तो वो तो प्रपंच को सत्य समझते हैं। बोला अच्छा, अब इस बात को छोड़ करके, परमार्थ दृष्टि को छोड़ करके लौकिक दृष्टि से, इसलिए सब में अद्वैत भावना करो, है ना, वो बात दूसरी है। धर्म का निर्णय जो है वो द्वैत दृष्टि से होता है, उपासना का निर्णय द्वैत दृष्टि से होता है। ये उपास्य है, ये अनुपास्य है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। समाधि का निर्णय, योग का निर्णय द्वैत दृष्टि से होता है, ये विक्षेप है, ये समाधि है। परंतु वेदांत का जो तत्वज्ञान है वो तत्वज्ञान जो है तब वो द्वैत दृष्टि नहीं अद्वैत दृष्टि है। इसलिए योगाभ्यास का जब विचार करना हो समाधि का, तो द्वैत दृष्टि से कैसे करना चाहिए ये विचार करो। उपासना जब करनी हो तब द्वैत दृष्टि से करो। जब धर्म का प्रचार करना हो तो द्वैत दृष्टि से करो। ये स्थिति है। इसके संबंध में चोद्यम्बा परिहारो वा प्रियताम द्वैत भाषया अद्वैत भाषया चोद्यम नास्ति नापि तदुत्तरम। पंचदशी में श्री विद्यारण्य स्वामी ने कहा, भाई व्यवहार का विचार व्यवहार के ढंग से और परमार्थ का विचार परमार्थ के ढंग से। उसमें गड़बड़ा अध्याय नहीं करना कि पत्नी में, बेटी में है, और माता में और नानी में और दादी में एक अद्वैत ब्रह्म है, इसलिए सबके साथ समान व्यवहार हो गए, सब में अद्वैत भावना करके व्यवहार करो। ऐसे नहीं होता व्यवहार। व्यवहार जो होता है वो अधिकार के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार, स्थिति के अनुसार, विषय के अनुसार होता है। व्यावहारिक विज्ञान जो है वो दूसरा है, और पारमार्थिक विज्ञान जो है वो बिल्कुल विलक्षण, वो महात्माओं की निवृत्ति परायण महात्माओं की वस्तु बड़ी विलक्षण। तो सशांति मापनोति न काम कामी। अब प्रश्न फिर से दोहरा देते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष का व्यवहार कैसा। चार बात जीवन मुक्त पुरुष में नहीं है। विहाय कामान यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। अब इस प्रसंग को कल के लिए